यहाँ पे मैं बता दूँ कि गोरखपुरिया भौजी को फंसाया गया है, फंसाया गया है कि मालती चौहान को न्याय नहीं मिलना चाहिए, विष्णु चौहान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, विष्णु चौहान को एक बाल बाका तक नहीं होना चाहिए, विष्णु चौहान सेफली रिहाई हो जाए, विष्णु चौहान को कोई सजा ना मिले। और गोरखपुरिया भौजी कुछ भी नहीं किया है, अगर वो कुछ करती तो चीख चीख के नहीं बोलती कि मोहली थाना का सीसीटीवी कैमरा निकलवाया जाए, निकलवाया जाए। एक दो नहीं, नौ नौ धाराएं लगी है। अब जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। मैं एक कल परसों गोरखपुरिया भौजी का मैं गाना सुन रही थी, सॉन्ग सुन रही थी, उसमें गोरखपुरिया भौजी गाने में दिखाई है कि एक गरीब माँ बाप है, उसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार होता है प्लस वो बच्ची तो मर जाती है, मतलब वो बच्ची बच नहीं पाती है। और जब पुलिस स्टेशन जाती है वो गरीब माँ बाप, तो जो गुंडा होता है, गुंडा जो होता है पुलिस वाले के, मोटी गड्डी दे देता पैसे का और बोला कि काम हो जाएगा, अब टेंशन मत लो। जब वही गरीब माँ बाप पुलिस वाले के पास जाते हैं तो उसको न्याय नहीं मिलता, बोलता है इसको धक्के मार के ये दोनों माँ बाप को, इसके माँ बाप को बाहर निकाल। अब वो गरीब माँ बाप के बेटी के साथ बलात्कार हुआ, न्याय भी नहीं मिला क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। गोरखपुरिया भौजी का ये गाना देख के ना मुझे एकदम आँख नम हो गया और हृदय फट गया कि सच में गरीब के साथ भी यही होता है, रियल में यही चीज़ें होती है। तो गोरखपुरिया भौजी के साथ साजिश हो रही है। गोलू भाई जो है मालती चौहान को बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि मालती चौहान, गोलू भाई का पहला गाना मालती चौहान ही शूट की थी और बहुत करीब से जानते हैं कि मालती कैसी थी। जब वो न्याय दिलाने के लिए नंगा कौन हुआ था, गोरखपुरिया भौजी हुई थी नंगा, राधा राज हुई थी नंगा कि गोलू हुए थे नंगा, कौन हुआ था नंगा, किन्नर समाज हुई थी नंगा। तो किन्नर समाज को सजा दो ना, इन तीनों को ऊपर क्यों धाराएं लगाई गई है। और जब बोला जा रहा है पुलिस प्रशासन को कि सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए तो हाथ पे हाथ धर के की चुप बैठी है। प्लस चंदा भाभी जो धंधा कर रही है अभी भी सुधर जा, नहीं तो तेरे जो सर पे बाल है ना, एक भी बाल नहीं बचेंगे। अगर भगवान न करे तुम्हारे साथ अगर कुछ होगा चंदा भाभी, तो तुम्हारे ना एक आंसू पोछने के लिए तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखते रहेंगे, आंसू पोछने के लोग नहीं रहेंगे, और जहां तहां दो तीन चप्पल तेरे खींच के रखेंगे। तो अभी भी सुधर जा, अगर कुछ बाइट नहीं देना, कुछ बोलना नहीं है तो मुंह बंद करके चुप रहो। मीडिया के सामने क्या भाषण दे रही है, क्या दे रही है तू भाषण, जब जरूरत पड़ती है तो भाभी दीदी इस तरीके की बातें करती है, जब जरूरत नहीं रहता है तो धंधा करना शुरू कर देती है बेशरम। इधर एक रूप तारा है और रूप तारा का पति है, दोनों विष्णु चौहान की जन, इसका क्या है, इसका जीजा है कि क्या है, विष्णु चौहान को छुड़वाने के लिए, सच अच्छा साबित करने के लिए एड़ी चोटी को जोड़ लगा रहा है। और गोरखपुरिया भौजी कुछ भी नहीं करिए तो उसको गलत साबित करने के लिए बहुत जोड़ लगा रहा है। जो गलत कर रखा है, अपनी पत्नी के साथ दिना दृष्टि मार दिया है, उसको अच्छा साबित कर रहा है। जो न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ा है उसको गलत साबित कर दिया है। पुलिस प्रशासन गलत नहीं होते हैं, पुलिस की वर्दी गलत नहीं होती है। हमें तो गर्व होता है अपने देश के जवानों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि पुलिस का जो सुरक्षा होता है वो जागते हैं तो हमारा देश सोता है, हम घरों में चैन से रहते हैं। मगर कुछ हैवान वर्दी के अंदर छुपे हुए होते हैं, उनके बारे में हम बोल रहे हैं। क्या उन्होंने क्या गलत कर दिया, ये नंगा पुंगा थे तीनों चारों तो नहीं हुए थे ना, नंगा पुंगा कौन हुआ था, किन्नर समाज, तो उनको डालो जेल में। यही है हमारी समाज की, यही सच्चाई है कि पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विष्णु चौहान अपनी पत्नी को मार के
आजाद कर रहा है जेल में, उसको कोई सजा भी नहीं मिल रहा होगा, चैन से दो वक्त की रोटी भी मिल रहा होगा। अगर यही गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं है ना, अगर वो कुछ करते ना, तो रात दिन टॉर्चर कर करके उसको जिंदगी हराम करके रख देते। मालती विष्णु चौहान के प्रेमिका राधिका, राधिका कहाँ है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? प्लस अर्जुन वर्मा कहाँ है, इसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? एक महीना होने वाला है, 20 से 25 दिन हो चुका है मालती चौहान के निधन का। जो सच्चाई के लिए, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको गलत साबित करने के लिए पुलिस प्रशासन एक से एक बढ़ के धारा लगा चुकी है। ऐसा धारा कि जब तक आप पैसा रकम नहीं छोड़ोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों आप सभी को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों राधा राज रूप तारा को और चंदा भाभी को जिगरी दोस्त मानती थी, जिगरी मानती थी, दिल से मोहब्बत करती थी, मतलब जो होता है ना कि फ्रेंडशिप दिल से निभाना, राधा राज ने दिल से मानती थी कि हाँ कोई मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे दो दिन पहले ही रूप तारा का परिचय दिया राधा राज ने कि देखो किस तरीके से उसको जाकर पिज्जा खिलाना, या मतलब जो भी हो, आई थी बिहार से। आज मैं बिहार और यूपी के वो बातें नहीं कर रही हूँ, आज हम दोस्ती के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऐसी दोगली दोस्ती ना होने से बेहतर है कि अकेला ही अपना जिंदगी में दुख सुख सब कुछ सह लो। चंदा भाभी और रूप तारा इतनी दोगली निकल गई, इतनी दोगली निकल गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। राधा राज और रूप तारा के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हर चीज एक दूसरे से शेयर करती थी। और अभी जो है रूप तारा, राधा राज, गोरखपुरिया, गोलू, इन सभी के पीछे हाथ धोके दोनों पति पत्नी जो है पड़ी हुई है। रूप तारा का पति का नाम है विकास, क्या पूरा नाम है, विकास बारूद, जैसे लग रहा कि वो खुद भी विस्फोट होने वाला है, नाम भी तो इतना अजीब रखता है, विकास बारूद, लगता है कि खुद भी विस्फोट होगा। और यहाँ पे मैं चंदा का बारे में बात करने वाली हूँ कि चंदा जो है ना एक तरह से धंधा करती है, गंदा वाला धंधा करती है। अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। दोनों पति पत्नी जो है ना, मतलब सच में जब मुसीबत आती है तो गोरखपुरिया भौजी के नाम लेती है, जब उसके ऊपर मुसीबत नहीं आती है, जब गोरखपुरिया भौजी के ऊपर अभी मुसीबत आई हुई है तो अपना हाथ सेक रही है गरम गरम आग के बीच में। भगवान करे वही मुसीबत अगर चंदा के ऊपर आ गया तो कोई भी इसको मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। ठीक है तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो कम से कम मुंह तो बंद करके रखो। मीडिया के सामने जो चंदा है, गंदा वाला जो धंधा करती है, वो मीडिया के सामने एक से बढ़ के एक बातें कर रही है। हम मानते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और हमें विश्वास भी होता है, क्योंकि हमें गलत हमारे साथ होता है ना, तो हमें कानून के ऊपर ही भरोसा होता है कि कानून ही हमारा सुरक्षा करेगा, कानून ही हमें रक्षा करेगा और न्याय तक हमें दिलाने की पूरी कोशिश रहेगा, कानून ही हमें न्याय दिलाता है। मगर कुछ हैवान वर्दी के नीचे जो छुपे हुए हैवान होते हैं ना, जो पैसे पे बिकाऊ होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। गोरखपुरिया भौजी जो है चीख चीख के चिल्ला रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दो, मगर सीसीटीवी कैमरा वहाँ से निकालो, सीसीटीवी कैमरा वहाँ से निकालो। अगर गोरखपुरिया भौजी इसमें शामिल रहती तो चीख के नहीं बोलती, नहीं चिल्लाती कि पुलिस स्टेशन वाला सीसीटीवी कैमरा निकलवाओ। गोरखपुरिया भौजी का अभी ऑपरेशन हुआ है, क्या बीत रही है गोरखपुरिया भौजी, यहाँ तक रिंकी जो है बोल रही है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख आ रखा है फिर भी मुझे चिंता नहीं होता, मगर मेरी बेटियों को लिए ज़्यादा चिंता होता है कि मेरी छोटी बेटी जो है छन मेरे बिना एक पल भी नहीं सोती है, नहीं रह पाती है, और मैं अभी इससे अलग हूँ।
अपने इंसाफ के लिए इधर उधर मुझे भटकना पड़ रहा है। और कुछ पैसे जब इकट्ठा हुए थे तो मैंने सोचा था कि धान वान कटवा के थोड़ा जो टीन का घर है उसको छत ढलवाएंगे, मगर जो जरंत लोग होते हैं ना, जो हाथ धो के, विष्णु चौहान तो गलत है, विष्णु चौहान गलत है। मुझे ये बात बताइए कि अगर विष्णु चौहान गलत नहीं है तो मालती चौहान को वहाँ से जब लेके आया था तो मीडिया वालों को क्यों नहीं खबर किया? जिस दिन अपना बेटा को लेकर आया था उसी रात को, उसी शाम को मालती चौहान को भी लेके आया, मगर किसी को भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सुहाबाद की एक बात इसका जवाब दो, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, अपने बेटा को दिखाया, अपने यूट्यूब पे दिखाया, मीडिया वाले को सामने दिखाया कि मैं अपने बेटा को लेके आ गया हूँ, सब लोग घर में खुश हैं, मगर मालती के बारे में क्यों नहीं दिखाया? बहुत सारे लोग जो इसमें बोल रहे हैं, वही रूप तारा का पति ही बोल रहा है कि अगर विष्णु को मालती को मारना ही था तो अपने घर पे क्यों लाता, क्यों लाता? उसका मन में ये प्लानिंग चल रहा था कि मैं तो किसी को बताया नहीं, न मीडिया वाले जानते हैं, नहीं आस पड़ोसी भी नहीं जानता है, मालती चौहान के जो ससुराल के जो आसपास के जो लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं कि मालती आई थी। तो विष्णु चौहान अगर उसके साथ कुछ करके इसका डेड बॉडी को इधर उधर फेंक देता तो क्या किसी को पता चलता? ये मुझे जवाब दीजिए, किसी को पता चलता? मगर सातिर कितना भी शार्प क्यों ना हो अपने दिमाग का, मगर सबूत कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मालती चौहान तो फांसी नहीं लगाई है उसको, यहाँ तक कि ये जो चंदा है, चंदा दोनों पति पत्नी जो है उसी ने खुलासा किया है। वैसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है मालती चौहान का, सिर्फ मालती चौहान के पिताजी के ही हाथ में है, और पुलिस प्रशासन बोला समय आने के बाद लोगों को दिखाना है, अभी नहीं बताना है किसी को। मगर ये जो चंदा भाभी है उसको पता चल गया, और पता चला कि क्या चला, अब्यूज के लिए कर रही है कि क्या कर रही है इतना बड़ा धंधा? वो बोली है कि मालती चौहान के खाने में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला है खाने में जहर, तो जहर दे के मारा गया है। तो अब तो आंखें खोलो कि मालती चौहान को जहर दे के मारा गया है। मैं नहीं ये कर रही हूँ, चंदा भाभी बोल रही है, चंदा भाभी बोल रही है। फिर भी विष्णु चौहान को बचाने के लिए गोरखपुरिया भौजी, राधा राज, गोलू, ये तीन चार लोग जो हैं मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े थे, तो जो विष्णु चौहान को जो सपोर्टर है, प्लस पैसे पे तो काम ही चल रहा है, आजकल के जमाना ही यही है कि जिधर पैसा रहेगा उधर पुलिस प्रशासन भी मुंह मोड़ के रखेगा, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा। मैं एक